प्राथमिक विद्यालय जिला गांधीनगर गुजरात की ओर से मैं भावना और मैं रवि क्षेत्र 5 मैथमेटिकल मॉडलिंग में अपना मॉडल एजुकेशनल वीडियो गेम प्रस्तुत कर रहे हैं। खिलौनों से गणित विषय को रस भरा बना सकते हैं। वर्तमान समय में बच्चों को मोबाइल फोन का एडिक्शन हो चुका है। हिंसा से भरी अयोग्य गेम्स खेलकर बच्चे अपना बचपन खत्म कर रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद बच्चे मोबाइल फोन छोड़ते नहीं, तो हमने ऐसा सोचा कि हिंसा से भरी अयोग्य गेम्स के बजाय गणित की आनंददायक वीडियो गेम्स बच्चे खुद बनाए और खेले तो गणित और अन्य विषय का कंटेंट सीख सकते हैं। इसके अलावा हिंसा से भरी गेम्स के बदले सृजनात्मक तरीके से बच्चे खुद अपने विषय की वीडियो गेम्स बनाकर खेल सकते हैं। इससे गणित की संकल्पनाएं तो सिद्ध की ही जा सकती है, परंतु बच्चे को एक गेमर से गेम डेवलपर तक ले जाया जा सकता है। यह इस एजुकेशनल वीडियो गेम्स में कुछ इस प्रकार से सिद्धांत जुड़े हैं, जैसे इंटरैक्टिविटी विथ इंफॉर्मेटिव फीडबैक, मीनिंगफुल गोल, कंप्यूटेबल थिंकिंग, एंटीसिपेशन, फिजिक्स इत्यादि। चलिए अब हम इस मॉडल के वर्किंग की तरफ चलते हैं, यानी कि हमने किस तरह के डिजिटल खिलौने बनाए हैं और किस प्रकार से बनाए हैं यह समझते हैं। यह एक रेसिंग गेम है जिसका नाम है रेसिंग विथ क्विज। गेम को शुरू करने से पहले यह ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करना होगा जिससे गेम शुरू होगी। यहाँ दो पार्टिसिपेंट हैं। इसमें अपनी ओर से यह भालू है। अगर अपने इस भालू को रेस में आगे रखना है तो नीचे प्रश्न पूछे हैं, उसके सही उत्तर जल्दी से देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने पर भालू दो स्टेप आगे जाएगा। अगर उत्तर गलत होता है तो भालू अपनी जगह से हिलेगा नहीं और प्रतिस्पर्धी आगे चला जाएगा। यह बच्चे का फोकस और शीघ्र आंसर देने की स्किल डेवलप होती है। दूसरी गेम का नाम है क्लिक ऑन मी। आप यहाँ देख सकते हो कि यह बीटल नाम का एक कीटक है जो ब्लिंक होता रहेगा, यानी कि यह बीटल कुछ देर तक दृश्यमान होगा और कुछ पल अदृश्य हो जाएगा। जब वह दृश्यमान होता है तब उसके ऊपर क्लिक करना होगा। यह प्रक्रिया तेजी से करनी होगी। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार स्कोर नोट होगा। फिर हम गिनते जाएंगे जिससे गिनती पक्की होती जाएगी। यह गेम खेलने से पता लगेगा कि यह दिखती है उतनी आसान नहीं है। अब हमने जो गेम बनाई है उसका नाम काउंट द बॉल है। यहाँ गेम शुरू करते ही बॉल ऊपर से नीचे पड़ते जाएंगे। हमें एरो की मदद से इस बच्चे को लेफ्ट और राइट लेकर जाना है और कटोरी में बॉल कैच करके डालना है। जितने बॉल इकट्ठा हो गए उतने ऊपर स्कोर बढ़ते जाएंगे। अन्य एक गेम है क्वीज विथ रोबो, जिसमें यह रोबोट है जो मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न पूछेगा। हमें उसके सही सही उत्तर देने हैं। हमारे प्रत्येक उत्तर पर रोबोट प्रतिसाद भी देता है। सही या गलत उत्तर होने पर मोटिवेट भी करता है। हमने छोटे बच्चे और बड़े छात्र दोनों के लिए गेम बनाई है, जिसमें बड़े छात्रों के लिए पजल जैसी गेम बनाई है। जैसे कि यह एक बुलबुलैया है। इस एप्पल को यहाँ से ले जाकर बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया में संतुलन की जरूरत होती है। अगर एप्पल इस लाइन को छू लेता है तो वह फिर से शुरुआत की पोजीशन में आ जाएगा। ये जो गेम्स हमने देखे वे सारे गेम्स स्क्रैच नाम के सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए हैं।
इस सॉफ्टवेयर की मदद से गेम बनाने के लिए कोई बड़ी सी लैंग्वेज या बड़ी बड़ी कोडिंग जानने की जरूरत नहीं है। यह मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट कंट्रोल, सेंसिंग जैसे सिंपल कोड दिए गए हैं। हमें किस प्रकार की गेम बनानी है और उसमें कौन से ऑब्जेक्ट रखने हैं, यह सब इसकी लाइब्रेरी में है। कौन से ऑब्जेक्ट को क्या इंट्रैक्शन देनी है, इसके लिए यह ब्लॉक उठा के यहाँ रखने हैं। जैसे अगर हमें बॉल को नीचे से ऊपर तकने वाली गेम बनानी है, तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड में से एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। अब एक बॉल भी ले लेते हैं। अभी हम इस कोड में से मोशन वाले कोड का पॉइंट इन डायरेक्शन वाला ब्लॉक लेंगे और यहाँ रखेंगे। अब हम बॉल को किस दिशा में घुमाना है इसकी सूचना बॉल को देंगे। जैसे डायरेक्शन 45 करते हैं। गेम में यह प्रक्रिया हमेशा शुरू रहे, इसलिए कंट्रोल में से फॉरवर्ड का ब्लॉक लेते हैं। उसमें बॉल को 15 स्टेप मूव करवाएंगे और मोशन में से एक ऑन एड्स बाउंस वाला ब्लॉक रख के बॉल को सतत मूव होता रखेंगे। आप देख सकते हो कि यह प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। अब आगे आप जैसी भी गेम डिजाइन करना चाहे वैसी बना सकते हो। यह हमने देखा कि यह सारे ब्लॉक जो और तो की संभावना से बनते हैं, यानी जो घोड़े को 2 स्टेप आगे बढ़ाना है तो मूव वाला ब्लॉक पसंद करना है। इस तरह की गेम्स हमारी स्कूल के बच्चे भी बनाते हैं। इसके अलावा हमने एजुकैंडी सॉफ्टवेयर की मदद से गणित और भाषा की भी गेम बनाई है। यहाँ हमने मैच द बेस्ट नाम की गेम बनाई है। यहाँ हम मैच ऑफ मेमोरी जैसी गेम्स खेल सकते हैं। जैसे मैच ऑफ में हमारे सामने ऊपर प्रश्न और नीचे ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन उठा के रखना है। मल्टीपल चॉइस में भी हम गणित की गेम खेल सकते हैं और अपनी क्षमता सिद्ध कर सकते हैं। मेमोरी वाली गेम भी हमारी याद शक्ति की कसौटी करते हैं। यह सारी गेम्स हम खुद बनाते हैं और एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। गेम खेलने का और बनाने का अनुभव हमें मिलता है। इस तरह की गेम्स बनाने का उपयोग गणित और अन्य विषयों को गेम्स की सहायता से रोचक बनाना है। गेम्स की मदद से इन विषयों को सरल किए जा सकते हैं। इस तरह की गेम्स खेलते खेलते गणित की संकल्पनाएं तो सिद्ध होती ही है। इसके उपरांत सृजनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटेबल थिंकिंग, संभावना, मापन, अनुमान, अवलोकन जैसी बहुत सारी मूल्यवान चीजें सिखाई जा सकती है। यह गेम्स कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल्स, टैबलेट सभी डिवाइस में खेली जा सकती है। यह गेम्स बच्चे खुद बनाकर एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। हम बच्चे अब तक गेम्स खेलते थे, मगर इस बात पे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि गेम कैसे बनते होंगे, कौन बनाता होगा। यह प्रोजेक्ट प्रस्तुत करके हमको सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अच्छे मार्गदर्शन से अब हम भी गेम्स बना सकते हैं। बच्चे अगर इस प्रकार के डिजिटल खिलौने बनाने लगे तो हमारे भारत देश के बच्चे गेमर से प्रोग्रामर और गेम डेवलपर बन सकते हैं और डिजिटल